ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੈਣ ਚੋ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੋ। जिंदगी में मेरे तीन शौक हैं, खाना, घूमना और स्टैंड। आई नो दिस है कि चलते चलते खाना नहीं चाहिए और खाते खाते बोलना नहीं चाहिए, बट व्हाट इज लाइफ विदाउट अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क। सो वेलकम टू दिस जर्नी ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू एंड फन। न्यू सिटी, न्यू फूड, न्यू पीपल एंड एन एंटायरली न्यू वे ऑफ डूइंग द सेम ओल्ड जोक्स। आफ्टर ऑल, एक्सपीरियंस लेंगे तभी तो एक्सपीरियंस देंगे। आई एम निशांत सूरी एंड दिस इज सूरी सफारी। हेलो, देखो पूरा दिन सड़कों पे सफाई हो रही है। चंडीगढ़ कितनी क्लीन सिटी है, चंडीगढ़ कितनी ग्रीन सिटी है। अब आपको चंडीगढ़ के बारे में सब पता है। चंडीगढ़ में हरियाली है और चंडीगढ़ में सफाई। और तेरी आंटी, चंडीगढ़ में आंटी उल्टा भी आ रही है साइकिल पे। आंटी इज अ रेबल, क्योंकि चंडीगढ़ में पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है ऐसा सुनने में आया। आंटी गिव्स नो फक्स, आंटी इज ऑन हर साइकिल। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। हम रेडियो नहीं सुनते हैं चंडीगढ़ में, हम अपने गाने गाते हैं। आ जा रे ओ मेरी खस्ता कचौड़ी, आ जा रे पेट की प्यास बुझा जा रे, आ जा रे। Not worth the detour, especially इतनी जो खुदी हुई सड़कें थी। Let's see, we've got lots of stuff planned for Chandigarh. Let's see how much we can execute. थोड़ा भी want to keep it raw. मतलब नहीं, मेरे को चंडीगढ़ में आके पहली चीज पिज्जा और पास्ता नहीं खानी थी, पर इसने बोला बहुत सही है, बहुत सही है भाभी, बहुत बहुत सही। मैसेज में लोगों ने बोला फ्रेश, बहुत सही तो नहीं था। पैटी में इतना तामझाम कौन देता है यार, ये पैटी तो रही नहीं ना, बाहर का वो स्ट्रक्चर है, अंदर इतना ठूस दिया है, ऐसा लग रहा है पिज्जा पॉकेट खा रहे हैं। चंडीगढ़ यू बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग सो फार, मूड सा खराब हो गया है भाई। मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता यार, इतना पेट भर गया। मैंने 1, 2, 3 आउट ऑफ 10 टू द पैटीज यार। एंड दैट्स हाउ आवर चंडीगढ़ जर्नी बिगैन, स्पॉइल्ड कपड़ों और मूड के साथ। सो वी थॉट व्हाई नॉट चेंज देम बोथ। फूड हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, विल क्लोथ्स बी द सेवियर। शॉपिंग के रास्ते में हमको मिली चंडीगढ़ की असली वाइब। ऐसा लग रहा था यहाँ आपके पास आधार होना हो, थार होना जरूरी है। जितनी थार जिंदगी में नहीं देखी थी, उतनी मैंने एक घंटे में देखी। We are going to get into the Chandigarh vibes, Daud colors and brands. अगले दो घंटों में हमने अपने सारे bargaining और styling skills लगा दिए, and we bought the finest clothes in the biggest brands, उनकी first copies. I mean, क्योंकि original खरीदने के पैसे तो नहीं थे. After all, as you know, this is a low budget food and travel show. से नकली ब्रांड की सारी शॉपिंग कर ली और कल नमूना बना के निकलेंगे हम, क्योंकि अपेरेंटली दिस इज द चंडीगढ़ लाइफ। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी फ्रॉम चंडीगढ़, पर यू नो यू हैव टू प्ले ऑन द स्टीरियोटाइप लिटिल बिट फॉर एंटरटेनमेंट। कपड़े खरीद कर हम चंडीगढ़ की स्किन में तो घुस गए, पर सोल में घुसना बाकी था। एंड यू नो व्हाट दे से राइट, व्हेन इन चंडीगढ़ डू एज द चंडीगढ़ियंस डू, और डू आई मीन चंडीगढ़ियंस।
After all this adventure, अब बारी थी शो की. Now, given how much Chandigarh loves its gaydis, हमने सोचा शो भी शहर से दूर एक सीक्रेट लोकेशन पर किया जाए. शो का शो, गेड़ी की गेड़ी, a wholesome चंडीगढ़ एक्सपीरियंस. यहाँ से लगा दो, वहीं से ग्रीन रूम की एंट्री होगी, वहीं से स्टार की तरह आएंगे, और जाने जाने में नाचते हो. ना कोई समथिंग समथिंग, ना कोई टिंग 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 टिंग. नहीं बट फीलिंग क्या है, क्या लगता है लोग यहाँ तक आ जाएंगे? भाई जो आ गया उसको मजे तो बहुत आएंगे. लोग कैसे आएंगे? जैसे हम आए हैं. जैसे हम आए हैं यार, भूले बिसरे भटके. भटके नहीं आए भाई, तुम बिल्कुल टप ऑन टप आए. तो अभी हम जा रहे हैं कंसल गांव, यहाँ पर मेन्यू राइट जाते रहोगे तो राइट पे पहले एक ठेका आएगा जो टिन का बना हुआ, फिर आपके सामने एक ठेका आएगा. जो आ रहे हैं दिल भी प्रिटी लाइक इट्स, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या होने वाला है, वेयर इज, व्हाट इज दिस रास्ता, क्या पागल है, सूरी का कॉमेडी इतनी भी अच्छी है कि नहीं, वो इतनी दूर जा रहे हैं देखने, तो देयर इज अ होल सेंस ऑफ मिस्ट्री, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. एंड देन दे रीच दैट हाउस एंड या एज आई वाज टेलिंग बनी दैट द पे ऑफ हैज टू बी गुड, कि वहाँ आ रहे हैं द सेटअप हैज टू बी गुड. The show has to be great. I think we can pull it off. Mike, निकाल लो. तार वहीं छोड़ दो, Mike निकाल लो बस. तार मेरे बैग में लगा दो. आज होप आएगा क्या? होप आएगा because we are going to eat a lot of food today. और क्योंकि हमारी लिस्ट में 18 जगह हैं, क्या हमसे हो पाएगा? वाह वाह, कविता से हमने शुरुआत करी है आज के दिन की. बनीज एंड मनी विल बी वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द शो, विच हमने बहुत ही बड़ा टास्क ले लिया है, बट आई हैव फुल फेथ इन देम एंड यू एंड आई, नमन एंड आई, वी आर गोइंग टू गो ईट एज मच एज वी कैन. जगह 18 है, पेट दो ही हैं, पर इंशाल्लाह बॉयज विल डू वेल. फुल स्पाइसी नहीं, ये नहीं. ठीक है, एक आप आलू गार्लिक टोस्ट वाला कर दो. मैं एक्चुअली बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ पब्लिक बोलते हुए जैसे राइट नाउ, पर मैं धीरे धीरे क्या, अभी तो सेकंड टाइम ही हम कर रहे हैं, ऑलरेडी थोड़ा सा काम. अब फूड ब्लॉगर वाली फील आ रही है, तो दिस वॉज वेरी गुड. आलू टोस्ट गार्लिक था और माँ कसम बहुत फूल था. इसे कहते हैं पैटीज, जो आपने कल मंबोसा बना दिया था वो नहीं. दिस इज इनसेन, द केक इज सॉफ्ट एकदम मॉइस्ट है, और क्रीम भी, मेरे को यूजुअली भगा क्रीम को पसंद, बट दिस इज अमेजिंग, दिस इज जेन्युइनली वेरी वेरी गुड, स्पेशली वनीला वाला. आई वुड हाईली रिकमेंड दैट व्होएवर यू आर एंड व्हेरेवर यू आर, प्लीज कम ईट दिस. फ्रॉम गुड फूड टू गुड पीपल, हम मिले लोकल कॉमिक एंड प्रोड्यूसर जिमी से. थोड़ा कम चमकीला है आपका भी, रोज का काम है हमारा भी, रोज का काम है. बुक में यही ऑर्डर कर रहा हूँ, पैसा बताया, काम को डन कर एडवांस बढ़ाओ और कल का टाइम बताओ सर को, डन हो गया. हमें किसी ने बोला था मटन अच्छा होता है, पाजी ये दुकान इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मैं कहता रहे रमजान ना हो, सच कह रहे हैं कि बड़ा देखो पार्ट का मन हैवी कर देता है, हैवी कर देता है, एक खाना हैवी नहीं करता. कचौड़ी
कचौड़ी बस 20/10 कचौड़ी थी। जयपुर वालों को शर्म आ जाएगा कचौड़ी खा के, इतनी बढ़िया कचौड़ी। उसके बाद हम मिले चंडीगढ़ की लेटेस्ट सेंसेशन गुरलीन पन्नू से, who was in town for a show, so we thought why not catch up। अबे हम दूसरे कॉमिक की सक्सेस देखने, इनके शो में बड़े लोग आ रहे हैं यार। कितना टाइम हो गया कॉमेडी करते हुए? मैंने 2019 में करी थी शुरू। हाँ, 4 साल। वो एक फ्रीडम जो फेम से पहले थी कि जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी कर लो, नो आई डोंट, नोबडी नोज मी, वो दो एक्सपेक्टेशन कम इन टू प्ले कि मैं जा रही हूँ, अच्छा सबको पता है गुरलीन कौन है, मुझे अच्छा करना है, ये करना है, वो करना है। एक्सपेक्टेशन ही वो प्रेशर की यार मैं गलती ना कर दूं, लाइक विच द प्रेशर यू पुट ऑन योरसेल्फ कि यार अब मिस्टेक ना हो जाए। अब वो तो मिस्टेक प्रूफ कितना ही रह लोगे, मतलब वो तो कभी भी हो सकती है, नोइंगली अनोइंगली। अब वो पाव भाजी तो प्लीज खाना यार, मोहाली थी हां, और ये बड़ी फेमस होता यार, बहुत बॉम्बे पाव भाजी उसका ना, 22-23 साल हो गए खाते हुए, बहुत कैंट है। हमने गुरलीन को रिक्वेस्ट किया है कि अनाउंस कर देना निशांत इज डूइंग सीक्रेट शो। जो भी है एक ड्रम चाहिए बर्फ के साथ, ठीक है, ड्रम चाहिए, बड़ा ड्रम चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पानी, 50 का 4 एक 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 फायर कर दो फिश, और एक हाफ बारबेक्यू कर। हमें आए जोगिंदर, जिम्मी जिम्मी लेके आए हैं जोगिंदर शर्मा, और बारबेक्यू हमने खाए, ऑर्गन्स खाए हैं, पर बहुत टेस्टी थे। बारबेक्यू चिकन खाया है जिसका शीशा जिम्मी जी ने तोड़ दिया, हम दिखाएंगे आपको। देखो कुछ बोल नहीं रहे, हम एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, हमें आपको दिखानी है लड़ाई जो पीछे हो रही है, दारू पी के चिकन खा के पंजाबी लोग एकदम मूड में है, और बहुत सारे इमोशन है मेरे दिल में अभी, मुझे समझ नहीं आ रहा बयां कैसे करूँ। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा गुरलीन पन्नू की फेवरेट पाव भाजी है, गुरलीन पन्नू आप दिल्ली आओ यार, आप अपने लाइफ में टेस्ट सुधारो और आप दिल्ली आओ, आपको खिलाएं। बाकी ये जो सब लोग हैं इनकी मैं टिकट कराने को तैयार हूँ, सबको मैं बस में बिठा के एक बस यहाँ से हर शाम को, जो कुत्तों वाली भीड़ लगी हुई है। कुछ इतना खास तो खाना नहीं था, बहुत ठीक थी पाव भाजी, बट ये जो भीड़ लगी है, डिसअपॉइंटमेंट बताओ भाई कैसा लग रहा है, डिसअपॉइंट हो गया आपको कॉन्टेंट? सो इफ यू ट्रीट लाइफ एज कॉन्टेंट इट्स ऑल गुड बिकॉज एवरीथिंग इज कॉन्टेंट। अभी मुझे पता लगा है कि हम जो बियर बेचने का प्लान कर रहे थे, बेचना क्या मतलब दे रहे थे, बेच नहीं रहे थे, वो नहीं कर सकते बिकॉज 15 अगस्त करके ऐसी है थोड़ा यार वैसी। हाँ जी कल है, हमने एक ऐसा सीक्रेट लोकेशन टाइप वाला छोड़ डाला है, ऐसा कोई गाँव हमारा एक फार्म हाउस में हो रहा है। Work done for the day, we decided to let loose and hit the clubs because we were told that Chandigarh is a party city. And you know what they say, right? All work and no play makes Suri a dull boy. क्लियरली पार्टी करने की उम्र तो जा चुकी है, सो आई थॉट अपनी जाती हुई जवानी के डिनायल में रहने की जगह आते हुए बुढ़ापे की प्लानिंग ही कर ली जाए। आफ्टर ऑल चंडीगढ़ इज ऑल्सो नोन एज द रिटायरमेंट सिटी, इट्स क्लीन ग्रीन एंड सीरीन, इन शॉर्ट एक वृद्ध आदमी के लिए बेहतरीन। पसीना आ गया क्योंकि उसके बाद हमने यहाँ पार्क में थोड़ा वर्कआउट भी कर लिया देखने के लिए कि बुढ़ा होके कैसा लगेगा। घर देखे हमने थोड़ा ऐसे रिटायरमेंट के लिए, थोड़ा पसंद करने के लिए गया मैं, और बहुत ही प्यारे फैंसी घर हैं बाहर से, और सुनने में आया कि सारे घर बहुत महंगे हैं, और जिस तरीके से हमारा काम चल रहा है मेरे को लगता नहीं है रिटायरमेंट तक इतने पैसे हो पाएंगे हमारे पास। ये रिटायरमेंट वाला मौसम तो नहीं लग रहा मुझे, आधे बुढ़े तो ऐसे कुकों के ही मर जाएंगे यहाँ पे ह्यूमिडिटी में, घर के अंदर गर्मी हो गई तंदूर बन गया। नो डिसरिस्पेक्ट बुड्ढा, आई विल ऑल्सो बी बुड्ढा वन डे एंड यंग पीपल विल बी मेकिंग फन ऑफ मी जस्ट लाइक दिस, दैट्स हाउ लाइफ इज, यंग मेक फन ऑफ बुड्ढा देन बिकम बुड्ढा।
With Sukhna Lake as our last stop, our experience of the wholesome Chandigarh vibe finally comes to an end. Ab bari hai Chandigarh ko apna experience wapas dene ki. It's time for the Gedi Show. बारिश ना हो तो भाई शो तो अच्छा हो जाना चाहिए. बारिश हो गई तो तरपाल भी डाल लें. कितना इफेक्टिव है तरपाल. ब्रो आप शो सिर्फ किस्मत पे है. अपनी तरफ सब कुछ कर लिया है. मैं बारिश को बीट करता आ रहा हूँ, बारिश को पीछे छोड़ा है. होपफुली यहाँ तक नहीं आएगी बारिश. सब कुछ कर लिया है इसमें. जितने आने थे उसमें से भी आधे लोग ही आने वाले हैं फॉर श्योर. कॉमेडी वॉमेडी होना हो मैं जितने आएंगे उनके साथ बियर पीने चलेंगे यार. शो शो गया गाड़ी भाई क्या होने वाला है. एकदम से काले बादल आए बहुत सारे. तिरपाल डल गए ऊपर, सब कुछ गिर गया. बहुत लगे बड़े 11 बजे से सेटअप करने के लिए. शो से जस्ट 1 घंटे पहले ये होता है. डाइजेस्टिव चूरन अगर स्टेज पे खड़ोगे पादे मारूँ मैं ऑडियंस पे, क्योंकि वही कसर बाकी है बस. बाकी जो फक हो सकता हो गया. हेलो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा सॉरी. Accept my heartfelt apologies for what we made you go through. हमें ये शो यहाँ इसलिए डाला है कि हमारी मत मारी गई है. मैं हाथ में मेरे दोस्तों ने सेक्टर 22 से मेरे लिए कैनन बैंक का कच्चा खरीदा था. जो बैंक आया मुझे बोला गया है कि माइक में करंट आ रहा है. देखो, because this is not what we planned. I hope you know that we are safe. भूत बंगले के बीच में खड़े होंगे, लोगों को हंसाएंगे. कॉमेडी थोड़ा ना रोडीज का टास्क है ना यहाँ पे. नॉर्मल नॉर्मल तो सब हंसा लेते हैं, अपनी घर मरवा के यहाँ कॉमेडी करनी है. इतनी बढ़िया हमने प्लानिंग करी थी. मैं आपको प्राइवेट लाइटों से पहले हमने बाहर छत पे वो लगाया था अपना सेटअप. फिर थोड़ी सी बारिश हुई तो हमने नीचे बाहर लगा दिया सेटअप. फिर बहुत सारी बारिश हो गई. फिर जो हुआ है आपके सामने ही हुआ है ना. पहली बार ऑडियंस ने पूरा सेटअप होते हुए देखा है. जितनी हमने टिकट बेची थी उतने आई. पहला कॉमेडियन है जिसकी आधी ऑडियंस जंगल में घूम गई है. वैसे ही फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं जो हैं वो बेंच पता नहीं कहाँ कमा रहे हैं. हमने 3 दिन बाद कोई यहाँ किसी के दरवाजे से 3 दिन बाद फटी टी शर्ट में आ रहे होंगे लोग. निशान सूरी का हो रहा है ना. तेरे निशान सूरी को करंट लग गया. वो मन लग गया वहाँ पे. तू कम है तो न्यू दिल्ली फॉर दिस शो. फॉर दिस शो यार मेरे भी कपड़े रखो यार. यू जेन्युइनली केम फ्रॉम न्यू दिल्ली फॉर दिस शो. इतने बेंदे हो आप लोग यार. मैं हफ्ते में 3 शो करता हूँ नई दिल्ली में. आप इस वाले में क्यों आए हो. हाँ जी रोड ट्रिप हो गई और उसके बाद और रोड ट्रिप हो गई और फिर यहाँ के बैड ट्रिप हो गई. वेरी गुड. और भाई ऑडियंस भी बेचारी भीगी भीगी आई सारी, छाते पकड़ के पार्किंग से अंदर आने तक ही भीग गए थे वो. मुझे तो लगा कि यार फक हो जाएगा ऑडियंस, गुस्सा हो जाएगी कोई ना कोई तो पीटे. शो अंदर किया अच्छा हो गया शो. मतलब कंसिडरिंग ऑल द सर्कमस्टेंसेस मजे आ गए कुछ. मतलब वही ऑडियंस को भी ये शो तो याद रहेगा. देखने में मजा आया. आपको किसी को रिफंड देने की जरूरत नहीं है
और अगर आपको रिफंड देना पड़े तो जितने लोग का देना है मैं उठाऊंगा आपका खर्चा। गुस्सा होगी, ऑडियंस सपोर्टिव होके गई है वहाँ से कि हम आपका घर चला देंगे, कुछ घर पे राशन पानी चाहिए, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, वही भर देंगे। चंडीगढ़ प्रूव मी रॉन्ग इन द सेंस कि आई एम गोइंग बैक विद अ वेरी नाइस फीलिंग अबाउट द सिटी, अबाउट व्हाट वी डिड, अबाउट द पीपल। तो बहुत खुश और संतुष्ट हम वापस जा रहे हैं। स्पेशल मेंशन टू जिमी पाजी। जिमी पाजी इज अ कॉमिक फ्रॉम चंडीगढ़। ही वाज आवर लोकल कांटेक्ट फॉर एनी जो भी हमें जुगाड़ करने थे लॉजिस्टिक्स से ये थे। एंड आल्सो थैंक यू टू दिस वेरी गुड टीम दैट आई हैव विद मी एंड नमन हु इज बिहाइंड द कैमरा एंड ये पीछे हमने दिखाया है आपको ये बाबा रामदेव जो बैठे हुए हैं सबने बहुत मेहनत की। पीस आउट यो।